जनता पार्टी की सरकार बनती है ओबीसी को यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हम फखर करते हैं अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हुए, मगर आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी को भगा देंगे, ये बीजेपी की ज़हनियत है, ये नरेंद्र मोदी की ज़हनियत है, ये योगी नहीं नरेंद्र मोदी की जबान है। अरे ओबीसी को छोड़ो, ओबीसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी। एके मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। एके मिश्रा साहब, एक्शन का रिएक्शन कह रहे हैं संजय सिंह साहब, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या जिन्ना का दिखाई दे रहा है क्या ओवैसी के अंदर? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं ये कभी भी चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, उलझा के रखेंगे। टेबल टेनिस का जैसे मैच होता है ना, दो लोग टुक टुक टुक, और रेफरी का रोल यहाँ कांग्रेस कर रही है, जिधर बॉल जा रही है उधर देख रही है, लेकिन कौन जीता कौन हारा वो रेफरी डिसाइड नहीं कर पा रहा। ये बड़ा क्लियर है कि ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं। कानूनन ओवैसी साहब की पार्टी एक रजिस्टर्ड और फ्री पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अधिकार है कि पूरे भारत में चुनाव लड़े। ओवैसी साहब एक राजनीतिक नेता है तो उनका प्रथम कर्तव्य है कि अपने पार्टी को फैलाएं, चुनाव लड़े। वो ये करते नहीं है, हैदराबाद में लड़ लेंगे चुनाव, यूपी में नहीं लड़ेंगे। सारे भाषण ओवैसी साहब जो देते हैं हैदराबाद में, बरेली में, ये बरेली के पास एक पड़ता है यूपी में, बिजनौर ये गए थे, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, मैं बोलता हूं किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी का चाहत, पहली चाहत कर्तव्य होती है कि अपने पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाए। ये कहीं लड़ेंगे नहीं, ये वहीं लड़ेंगे जहां पे मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और बीजेपी को वोट जब काटना है तो ये दो चार कैंडिडेट खड़े कर देंगे, शायद बिहार यूपी में कुछ इन्होंने किया था। अब एक चीज और देखिए, लक्षण देखिए, सिम्टम देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ तो बोल रहे हैं, चलिए मैं मानता हूं योगी जी ने या किसी ने शुरू किया, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अगर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ, और उनकी इमेज को डेंट पहुंचा रहे हैं, तो सपा बसपा माकपा पचासों और पार्टियां हैं, साउथ में इतनी पार्टियां हैं, हैदराबाद में जितनी पार्टियां हैं उनके अपने राज्य में तेलंगाना वगैरह में किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी के बारे में, जो बीजेपी बोलेगी उसी का रिएक्शन। इसीलिए मैंने इसको टेबल टेनिस का गेम बोला है, एक बॉल आई बीजेपी ने मारी, फिर वो भी एकदम बराबर पीछे नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अगर ओवैसी साहब वाकई में एक राजनीतिक होते, मतलब राजनीति करना उनका परम धर्म और उद्देश्य होता उनकी पार्टी का, तो इतने दिनों से वो है नेता और ऑल ओवर इंडिया में इनके कैंडिडेट हो गए होते, लेकिन ये कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये कहीं ना कहीं कैटालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। किसके इशारों पर कर रहे हैं, बी सी डी टी में, ये मैं नहीं बताऊंगा। सर, ऐसा कौन सा नेता है जो ये चाहे कि मेरे, जबकि इनकी धाक भी मुस्लिमों में बहुत अच्छी है, पूरे बहुत फेमस है, क्यों ये कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, क्यों ये एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते, क्यों हैदराबाद को छोड़ करके कहीं और, ये ऐसी चीज लखनऊ में जाके बोले ना किसी ने रोका है? आपको लगता है फ्रेंडली मैच है सर ये बीजेपी और ओवैसी का? फ्रेंडली नहीं, ये प्लान्ड बहुत, ये है उद्देश्य दोनों का है। देखिए, मुझे ये लगता है कि बीजेपी को जिताना ही और कांग्रेस को हराना, यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना, मैं इनकी एक्टिविटी और सिम्टम के बेस पे बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ अगर ओवैसी साहब ये थे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुस्लिमों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है देवबंद और बरेली, जहां से फतवा, एक बरेलवी संप्रदाय है, ये आज तक क्यों नहीं गया वहां पे, वहां के मुसलमानों को क्यों नहीं कुछ बोला? आप मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, तो मैदान को समय दिया है, थोड़ा समय आपके पूजे राजनीतिक विश्लेषण है जरा उनको भी, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं है आईएम का, लेकिन बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है और जानना जरूरी होता है। इन्होंने बड़ी तेजी से विश्लेषण करके बोल दिया है कि ओवैसी साहब ने जो, नहीं मैं समझ गया कहां बिंदु निशाना मारने वाले, ये समझे कि 2017 में 26, नहीं 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 नहीं, देखिए गलती, देखिए जो गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ तो बोलेगा। बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए, मानने को तैयार हूं सर, बोलिए सर, मानने को तैयार हूं। एआईएम ने उत्तर प्रदेश के सारी निकाय चुनाव में, सारे निकाय चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 26 वार्ड जीते गाजियाबाद के चेयरमैन के लिए और फिरोजाबाद में रनर रहे हैं। तो पहले उसको आप क्यों नहीं खड़ा किया? एमपी का इलेक्शन इलेक्शन नहीं था क्या? यूपी का इलेक्शन इलेक्शन नहीं था? आप मिजोरम का इलेक्शन इलेक्शन नहीं था? बिहार का इलेक्शन इलेक्शन नहीं था? वही तो समझा रहे हैं कि कैसे वो बीजेपी के भाइयों क्यों होते हो सर, यहाँ कोई हम लोग बेवकूफ नहीं रहते हैं पूछे ना, ये मुझे सर साउथ इंडिया में क्यों नहीं खड़ा करते हैं ये स्टेट इलेक्शन में, पांच छह स्टेट में? आप गलत, आप टीवी के माध्यम देखिए, इंडिया वॉइस एक जो है जिम्मेदार चैनल है, अगर आप इसमें चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं तो आप गलत, क्योंकि गलत साहब का जवाब दीजिए सर, डॉक्टर साहब वही तो कह रहे हैं, साउथ इंडिया में क्यों नहीं ये खड़ा करते हैं, पांच स्टेट है?
मैं आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, तिलक जी।